Today we are gathered here to protest against the recent budget 2015-16. Our message is to Prime Minister Narendra Modi and to the Finance Minister Arun Jaitley. We demand that there should be proportionate allocation for Dalits and Adivasis, both in the Scheduled Caste Subplan and Tribal Subplan. A coalition of Dalit and Adivasi organizations from across the country are agitating today in 10 different states and also at the union level, central level in Delhi. कम कर दिया है। हमें उम्मीद थी कि ये लोग बोल रहे थे हम दलित आदिवासी के साथ धोखा नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस देश के इतिहास में सबसे झूठ बोलने वाला जो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं मिला, झूठ बोलने वाला। आज तक बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर देखे, कमियां होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के साथ धोखाबाजी करने वाली सरकार है। यदि हम देखें कि इस बजट में आदिवासियों को लेकर के जितने भी जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, चाहे वो ICDS हो या फिर मिड डे मील स्कीम हो या फिर वो आदिवासी आजीविका, उनकी संस्कृति और उनको भाषा बचाने का जो भी प्रयोजन विभिन्न योजनाओं में किया गया था, उन सब पे उन्होंने भारी कटौती कर दी। उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि उनकी जो सरकार है वो आदिवासी विरोधी सरकार है। दिया जाएगा 10% की बढ़ोतरी की है, लेकिन ये एक आई वॉच है, ये जो है लोगों की आंख में धूल रोका गया है। जो डायरेक्ट कॉर्पोरेट को बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो युवा यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, जिसके लिए कुछ योजनाएं आएंगी, लेकिन उनकी योजनाओं को दूर उनका जो पैसा है वो भी कम किया जा रहा है। हम लोग संख्या में सबसे ज्यादा SC ST ओबीसी और मिनोरिटी 85% है और इस देश के उत्पादन में हमारा सबसे ज्यादा योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान होने के बावजूद क्या दिल्ली सरकार से भी पहले वो हमारा पैसा लेकर वो कॉमनवेल्थ खेल के वो लगाया, अभी मोदी सरकार हमारा पैसा लेकर कॉर्पोरेट से वो दे रहा है, वही हम खिलाफ कर रहे हैं। हम बोलोगे वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो पूरा देश के हम कॉल कर रहा है, वो ये हम नहीं सहेंगे, वो पूरा देश के वो आवाज एक ही आ रहा है। दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग को क्या क्या हमारा हमारा डिमांड यही है, ये पैसा हमको कितना वो दे रहा है वो आवंटित वो पूरा इसी बजट में आप फिर डालो, रिप्लेनिश द बजट दैट यू आर सपोज टू गिव, वो हमको आना है। Demanding that the government reallocate
around 70,000 crores back to Dalit and Adivasis in this budget itself. We hope that our voices are heard. We hope that Sabka Vikas, that Prime Minister Narendra Modi talks about, Sabka Vikas also includes the Vikas of Dalit and Adivasis. I want to specially mention that the plight of the Dalit and Adivasi women, this time there's a very paltry sum or percentage of the total budget. We would demand that they take into account that we need security, we need good schemes, we need education, we need entrepreneurship, and we hope that the government hears the voices of the most marginalized, the Dalit and Adivasi women as well. Jai Bhim, Johar.